दोस्तों, आजकल की सबसे बड़ी परेशानी है हेयर ग्रे की, जो कि बहुत ही कॉमन है और हर उम्र से पहले बाल का जो है सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, इसके इसके बहुत से रीजंस हैं दोस्तों। कई बार हमारे जिस्म में विटामिन्स की कमी हो जाती है या कुछ हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं ना, और कुछ हमारी उम्र होती है। और इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे केमिकल का हम जो इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वाले शैम्पू हो गए, हेयर सीरम हो गया, कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और ये भी उम्र से पहले हमारे बालों को सफ़ेद कर देते हैं। और सफ़ेद बालों को देखकर हम लोग जो है केमिकल वाले डाई करवाते हैं। जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो हम डाई करवाते हैं बालों के ऊपर, तो हमारी जो थोड़ी बहुत रही गई कसर होती है वो भी पूरी हो जाती है, यानी कि बाल और भी सफ़ेद हो जाते हैं बाल कलर करने के चक्कर में। जी दोस्तों, और सारे के सारे बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें दोस्तों, नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को कालापन मिलेगा, बाल घने होंगे, बालों को काला करेगा, बालों को लंबा करेगा, बालों को खूबसूरत बनाएगा प्याज का रस। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ, और प्याज जो है मैंने रेड वाली प्याज ली है दोस्तों, यानी कि रेड छिलके वाली प्याज। तो आपको भी जो है रेड छिलके वाली प्याज का ही इस्तेमाल करना है। जो प्याज होता है ना दोस्तों, ये हमारे बालों को रीग्रो करता है, बालों को गिरने से रोकता है। प्याज में भरपूर मिकदार में सल्फर होता है, और सफ़ेद छिलके वाले जो प्याज होते हैं उसमें जो है लाल वाले प्याज में ज़्यादा असर होता है, यानी सफ़ेद छिलके वाले में इतना असर नहीं होता सल्फर का, लेकिन रेड छिलके वाली प्याज में ज़्यादा सल्फर की मिकदार होती है। इसीलिए तो जब भी हम प्याज काटते तो हमारी आंखों से जो है आंसू निकलते हैं। जी दोस्तों, और हमारे स्कैल्प में जाके हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, इसलिए तो बालों का झड़ना भी रुकता है, गंजपन को दूर करता है प्याज का रस। और इसके अलावा जब हम अपने बालों के जड़ों को गिजा मिलेगी ना, तो हम अपने आप में ही उम्र से पहले हमारे बाल जो है ना वो सफ़ेद नहीं होंगे। कुछ वाइटमिन की कमी की वजह से भी हमारे बाल उम्र से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और ये इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी और मजबूत करता है प्याज का रस, और इसमें सल्फर की वजह से ही हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पे लिया है कलौंजी। जी दोस्तों, कलौंजी के बहुत सारे नाम होते हैं दोस्तों, और हमारे यहाँ ज़्यादातर इसे कलौंजी ही कहा जाता है। तो अभी मैंने जो है प्याज को काट लिया था, रफली प्याज को मैंने काटा था, और इसके अंदर मैंने जो है कलौंजी, तकरीबन एक चम्मच मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है। जी, ये कलौंजी जो है हमारे स्कैल्प को नरिश करता है। और प्याज में दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एंटी फंगल होता है, एंटी फंगल की प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा डैंड्रफ और रूसी की परेशानी को दूर करता है और हेयर ग्रो जो है वो कम करता है। और साथ ही साथ प्याज के रस में जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी होता है, जो कि बालों के झड़ने को, बालों के सफ़ेद होने को रोकता है दोस्तों, बालों को काला करता है। और ये जो काले काले बीज मैंने लिए हैं, अभी मैंने डाले हैं इसके अंदर, इसका भी मैं इस्तेमाल इसमें करूँगी। और ये कलौंजी, कलौंजी कहते हैं, कलौंजी के बहुत सारे नाम होते हैं, और हम यहाँ ज़्यादातर कलौंजी जो है अचार में, मुरब्बे में, पूरी पराठे के आटे में इस्तेमाल करते हैं कलौंजी। और हमें जो है रोज़ के खाने में कलौंजी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, गिजाइयत से भरपूर होता है कलौंजी, एक हर्बल है। बहुत सी दवाइयों में भी इसको बनाने में कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है दोस्तों। सफ़ेद बालों को जड़ से काला बनाएगा, और काले काले जो ये काले काले बीज है, इस काले बीज भी कहा जाता है इनको। कलौंजी में विटामिन बी होता है, विटामिन B2 होता है, B1 होता है दोस्तों, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने आधी प्याली इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था, कोकोनट ऑयल डाला था दोस्तों, और मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और अब मैं इसे जो है छन्नी की मदद से छान रही हूँ, और मैंने छन्नी जो है थोड़ी मोटी ली है, ताकि हमारे पास गाढ़ा गाढ़ा सा जो है इसका एक पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। और जो मैंने इसके अंदर नारियल का तेल डाला है दोस्तों, ये हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा और हमारे सर पे मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी। कई बार हमारे सूखेपन की वजह से हमारे बाल सूखे हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी जो है हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हेयर फॉल भी होता है। और कई लोग बालों में तेल ही लगाते हैं, और लगाते भी हैं तो बहुत कम लगाते हैं दोस्तों, लेकिन जब भी तेल लगाया करें, पूरी रात के लिए ऑयल लगाया करें अपने सर पे, कोई सा भी ऑयल लगा सकते हैं दोस्तों आप लोग। और जब बालों को झड़ से ऑयल नहीं मिलेगा तो वो उनकी उम्र जो है कैसे बड़ी होगी बालों की, और बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद होने लगेंगे।
और जब हम 70 साल के होते हैं तो हम या तो 60 के लगते हैं और इस उम्र में हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, यानी कि 60 से पहले ही हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। यानी कि मैं तो ये कहूंगी कि 15 साल का एक बच्चा है या बच्ची है तो उनके बाल भी सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन आपको अपने बालों पे लगाकर दिखाऊंगी। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैं इसका एप्लीकेशन बालों पे किस तरह लगा रही हूँ, और इससे जो है वाइटामिन्स के जो सारे वाइटामिन्स होंगे वो सारे वाइटामिन्स मुझे मिलेंगे। इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और ये अनियन जूस जो है ना दोस्तों, ये आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्याज के रस में जो सल्फर होता है हमारे स्कैल्प को जो है बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर तवानाई पैदा होगी हमारे स्कैल्प के अंदर, और हमारे हेयर ग्रो जो है वो रुकेंगे। और आप लोग प्याज के स्मेल पे बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। पानी से धोएंगे तो ये जो है आराम से निकल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है और कोई डरने वाली बात नहीं है। आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% वर्क मिलेगा दोस्तों। मैंने जो है एक बड़े बड़ा प्याज लिया था दोस्तों यहाँ पर, और मैंने जो है इसको मोटा मोटा जो है ग्राइंड कर लिया था ताकि हमारे पास थिक सा जो एक पेस्ट तैयार हो जाए।